एकदम मस्त मजा नु ठंडू वातावरण छे अने साथे अमारा बापू छे एटले काई भी काई टेंशन ना आवे आसपास नु वातावरण में बीएस रिवर छे एकदम ठंडू पानी छे नहावू तो नही शकाय रस्ता में शू आवे तो के भाई रिवर राफ्टिंग तमे करी शको વચમાં કહ્યું બાપુ મલાના ભી આવે છે કે પણ મલાના એવું હોય છે કે તમારે ચાલીને જવું પડે એટલે જો એનો પ્લાન બનાવતા હોય તો વિચારી લેવો भी है और उसकी गाड़ी लेके हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा जो प्लान है वो है मणिकर्ण के लिए, फिर उसके बाद मलाना भी है और उसमें कसोल भी है, राइट। तो वो हमें टूर गाइड भी करेंगे, क्या देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये वो हमें गाइड करते हैं, उसका नंबर भी मैं शेयर कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको हेल्पफुल रहेगा कि कभी भी आके डायरेक्टली इसका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज़ आप मुझे गाइड कीजिए। और इसके बाद मैं बोलूँगा कि भाई जो पैराग्लाइडिंग करना है, रिवर राफ्टिंग करना है, तो वो भी अपने को कहाँ से बेस्ट मिलेगा वो आपको ये भैया गाइड करेंगे, प्लीज़ बताइए। अभी मणिकर्ण जा रहे हैं इनको लेके, अभी आज इनसे मुलाकात हुई, जैसा कि मतलब बात इनके बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मतलब पता क्या होता है, बिहेवियर सबसे मेन चीज़ है, बिहेवियर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो मतलब आगे सब कुछ ठीक रहता है, ठीक है। आप ड्राइवर की सुनोगे, ड्राइवर आपकी सुनेगा। जैसा आज हम अभी मणिकर्ण जाएंगे, ठीक है। मणिकर्ण के पीछे कसोल आएगा 4 किलोमीटर पहले, वो दिखा दूँ। कसोल में नेचर पार्क है, नेचर पार्क को देख लेना, वहाँ पे ज़्यादा लोग ऐसे फॉरनर वगैरह ही आते हैं, वहाँ पे ऐसे पार्वती वैली बोलते हैं उसको ना, पार्वती वैली, राइट। हाँ जी, okay. उसको मतलब वो पार्वती वैली के नाम से ही जाना जाता है, मतलब ठीक है। कसोल, उसके बाद एक मलाना विलेज है, मलाना विलेज वो एक बहुत पुराना विलेज है, ओल्ड डेमोक्रेसी। मैंने मलाना के बारे में जहाँ तक R&D किया था और YouTube में वीडियो देखा था कि वहाँ पे वो जो पौधे रहते हैं और बाहर से फॉरेनर्स जाते हैं वो अपने छूने नहीं देते या एंटर नहीं करने देते, ऐसा कुछ मैंने सुना था। तो मुझे लगा कि ये जो कस्बा है इतना सा, वो पूरी दुनिया से थोड़ा अलग, ऐसा ऐसा सुना था। उनका लैंग्वेज भी अलग है, मतलब वो मिलता नहीं है किसी से, राइट। और उनका जैसे वो मंदिर है ना, वो छूने नहीं देते, ना किसी से छूते ना, मतलब उनका अपना ही अलग सिस्टम है, मतलब सब कुछ उनका अलग है, अपनी तरह नहीं है, मतलब कि जैसे लोग चलते इधर उधर, ना वो किसी से छूते ना वो मंदिर भी, हम लोग भी उसको नहीं छूते मंदिर को, ठीक है, क्योंकि वो मानते हैं, अशुभ मानते हैं, मतलब उसके लिए ना, अगर छुएंगे तो फिर आपको पता है फाइन ही होता है 10,000 रुपये जो भी है।
ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ पे बलि देनी पड़ती है, तो उसको मतलब वो करना पड़ता है, पवित्र करना, पवित्र करना पड़ता है उसके लिए, बाकी कुछ नहीं। अब जाएंगे तो अच्छा लगेगा आपको, वहाँ जाके आप मतलब देख सकते हैं सब। और फिर मणिकर्ण जाएंगे और वहाँ पे जैसे मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है वो लंगर का, वो लंगर इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे जो सब्जी मिलती है वो बल्क में बनाई जाती है, वो बल्क में है तो उसका टेस्ट सबसे ज्यादा रहता है। और गर्म पानी के कुंड भी है वहाँ पे, नहा भी सकते हो, स्टे भी कर सकते हो, तो वो देखेंगे उसकी थोड़ी वहाँ पे 93 डिग्री के पास में मतलब उबलता है ऐसा पानी, उसमें आप चावल पका सकते हैं सब कुछ, मतलब देख लेना आप वहाँ जाके ना, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत सारी ऐसी चीज रहेगी। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग है वो कुल्लू के साइड है, उसके बारे में भैया थोड़ा बताइए हमें। पैराग्लाइडिंग ये डोबी है, डोबी मतलब यहाँ पे हाई फ्लाई होती है, ठीक है, मतलब ऐसे बहुत अच्छे, जो आपने वो वीडियो देखा होगा ना लैंड करा दो, वो यहीं से हुआ था पॉइंट। अच्छा। एक ये डोबी ना मतलब काफी लोग करते हैं, सबसे मतलब सोलंग वैली से ज्यादा लोग यहाँ पे वो फ्लाई करते हैं। राइट, तो ये भी सही था। दूसरी बात की रिवर राफ्टिंग करना है तो सबसे बेटर है, तो यहाँ पे आई थिंक कुल्लू के पास आप आओ, रिवर राफ्टिंग करो। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आपको रिवर राफ्टिंग करना है तो आपके पास दो जोड़ी कपड़े होने चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो आपको पानी में गिराएंगे, मतलब आपकी मर्जी से गिराएंगे, लेकिन गिरोगे तो मजा आएगा। इतना ठंडा पानी होता है कि जैसे आपको लगे कि सब जगह से चिट्ठी आपको काट रही है, ऐसा फीलिंग आपको रहता है, लेकिन बहुत ही मजा आएगा। सो नॉर्मली आप पहुंची गए मणिकर्ण, अब अंदर जाइए। बाबू कई मजा है, गुनगुना पानी है आम के फोड़ बाबू तुम्हारा पग है। हाँ अवे बराबर, बहुत मजा आया भाई, अभी ठंडी माँ गरम पानी पलाड़वानी मजा आया।
बापू कहाँ लाए हो? चावल प्रसादी से मणिकर्ण खाली 10 मिनट में चावल पकाई जाए। वाव वाव हाल अपने छे राम मंदिर मणिकर्ण ની અંદર અને ત્યાં ભી લંગર ની વ્યવસ્થા છે, જમવાની વ્યવસ્થા છે, ફ્રી છે, સરસ મંદિર છે, એક વાર વિઝિટ કરવા જવું છે। મણિકર્ણ આવવા માટે તમને પ્રાઇવેટ સાધનો મળી રહેશે એન્ડ બસ તમને મે ભી એક એક બબે કલાકે મળે છે, રહેવાની સુવિધા ભી અહીંયા છે છે, ઘણું બધું છે। એક દિવસનો પ્રવાસ તમે કહી શકો રામ મંદિર મણિકર્ણ અને આસપાસનું લોકેશન, ખાસ કરીને નદી નદી આસપાસના લોકેશન એન્ડ કશોલ છે, મલાના છે એન્ડ મણિકર્ણથી આગળ ભી તમે જઈ શકો। સો નયન કુમાર કેવું લાગ્યું તમને? સરસ લાગ્યું, અહીંયા આવો મણિકર્ણ તમને 3 મંદિરનો લાભ મળે। ગુરુદ્વારા છે મણિકર્ણ, મણિકર્ણ અને રામ મંદિર, પ્રાચીન રામ મંદિર, પ્રાચીન રામ મંદિર, બધું નજીક નજીક છે, બધું 5 મિનિટના ઇલાકામાં છે, તો તમને અહીંયા બધી જગ્યાએ ગરમ પાણીના પેલા ફુવારા મળશે જોવા, જે નેચરલ છે, મતલબ વાહ એની ખાસિયત છે। લંગર અહીંયા રામ મંદિરમાં છે, પ્રાચીન રામ મંદિરમાં બી છે અને ગુરુદ્વારામાં બી લંગર છે અને રહેવા માટેની પૂરી ફ્રી સર્વિસ છે।